नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 10वां एपिसोड में बताने जा रहा हूं और मैं अपने चैनल से 10वां, 11वां, 12वां और 15 तक एपिसोड डाउनलोड करूंगा आप लोगों को, जो कि अपलोड करने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल से, क्योंकि मैं फिलहाल आपको 2 दिन में पूरे 15 एपिसोड दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डीडी पटेल को रोशनी और सिद्धार्थ के बारे में पूरा पता चल गया है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बावजूद इसके कि सिद्धार्थ को वो एक्सेप्ट कर रही हैं और सिद्धार्थ को एक्सेप्ट करने के बाद में वो अपने दामाद बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इधर सिद्धार्थ फ़ोन करते हैं डीडी पटेल को, जो कि अपनी बेटी से करवाते हैं, मतलब रोशनी से करवाते हैं कि रोशनी चलो आप अपनी माँ को कॉल करो। तो रोशनी कहती है कि ठीक है माँ, मैं और सिद्धार्थ आ रहे हैं आप लोगों के पास में। तो अभी तक की तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी, जो कि 10वें एपिसोड में आप लोगों ने 10 एपिसोड ही देखे होंगे, लेकिन मैं आपको पूरे 15 एपिसोड बताने जा रहा हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिद्धार्थ ने एक गेम खेला था डीडी पटेल के साथ में, जो कि डीडी पटेल का एक विश्वास जीतना था, खाली विश्वास जीतने के अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं था। ठीक है, विश्वास जीत के सबको अलग करना था डीडी पटेल से, जो कि डीडी पटेल के भाई को अलग कर दिया, डीडी पटेल के भांजे को अलग कर दिया, भतीजे को अलग कर दिया और डीडी पटेल के यहाँ तक की बेटी को भी डीडी पटेल से अलग कर दिया। सिद्धार्थ ने अपनी फैमिली का पूरा बदला निकाला है, जो कि पूरा बदला निकालने के बाद अब सिद्धार्थ पूरी तरीके से हैप्पी नज़र आ रहे हैं। इधर बात करते हैं रोशनी की, तो रोशनी भी सिद्धार्थ के साथ में काफ़ी खुश हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में जैसे सिद्धार्थ आते हैं तो बोलती हैं कि चलो जो भी आपने किया वो ठीक ही है, लेकिन गलती तो देखो मेरे से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। तो डीडी पटेल ने यहाँ पे माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने के बाद में सिद्धार्थ ने बोल दिया ठीक है आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आपने क्या गलती किया। हालांकि सिद्धार्थ का दिल बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ ने फिर भी उन्हें डीडी पटेल को माफ़ कर दिया। और डीडी पटेल बोलते हैं कि एक काम करो, आप मेरे ही मकान में रहो, मेरे मकान में रहने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए मुंबई जा रही हूँ, जितने मैं आऊँ इतने आप दोनों मुझे खुश नज़र आने चाहिए। तो डीडी पटेल फिर फ्लाइट लेके अपने मुंबई के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन डीडी पटेल को फिर वो सीन याद आता है जो कि अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि शायद हस्बैंड क्यों मारा, लेकिन वो हस्बैंड मारने के पीछे क्या हाथ रहा, क्या वजह रही है, वो सब आपको मैं 11वें एपिसोड में बताने जाऊंगा, क्योंकि 11वां एपिसोड आप जब देखेंगे तो उसमें बता दूंगा। जमे राजा में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है 11वें एपिसोड में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने अभी तक 10वें एपिसोड तक ये देखा है कि रोशनी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी, रोशनी और पूरी फैमिली का बदला लेते नज़र आते हैं सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी पूरी फैमिली का बदला ले रहे हैं, डीडी पटेल से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं, जो कि डीडी पटेल को जीना दुश्वार कर देंगे आने वाले टाइम में, वो उन्हें जीना दुश्वार कर देंगे, क्योंकि हर तरीका का वो उनसे बदला लेते नज़र आ रहे हैं। ऑडियंस को भी तक ये नहीं पता कि डीडी पटेल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने सिद्धार्थ का खाली प्यार ही देखा डीडी पटेल के लिए, लेकिन सिद्धार्थ की नफरत देखनी अभी बाकी है, क्योंकि सिद्धार्थ अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। फिलहाल के बारे में बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो अभी तक आपने डीडी पटेल की खाली वैसे देखी, लेकिन जो डीडी पटेल किरदार निभाती थी अचिंत कौर, वैसे रियल लाइफ में बहुत ही अच्छी है और उनकी रवि दुबे के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग की बात करें तो निया शर्मा, रवि दुबे, अचिंत कौर पूरी टीम के साथ में उनकी एक काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, और वाई गॉड इन केमिस्ट्री को कभी किसी की नज़र न लगे, क्योंकि टाइम टाइम पर रवि दुबे भी इन लोगों से मिलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो ये इन लोगों का एक अच्छा गेम प्लान है। ठीक है, तो आप हम लौटते हैं सीरियल पे। सीरियल की बात करें तो जमाई राजा सीज़न 2 के 10वें एपिसोड में रोशनी अपनी माँ से मिल जाती हैं और डीडी पटेल और रोशनी सही सलामत मिल जाती हैं, और डीडी पटेल इस बात से काफ़ी खुश नज़र आते हैं कि चलो मेरी बेटी मेरे को मिल तो गई। डीडी पटेल को सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में किसी से प्यार करती हैं तो अपनी बेटी से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती, तो उनको पता है कि अगर मैं सिद्धार्थ को रोशनी से अलग करती हूँ तो ये भी बहुत एक गेम चैलेंज होगा, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा नहीं करती और बोल देती हैं कि सिद्धार्थ और रोशनी तुम दोनों एक साथ रहो, मैं कुछ टाइम के लिए मुंबई जा रही हूँ, जैसे लौटती हूँ तो शायद शादी की प्लानिंग करते हैं। तो इस बात को सुनकर रोशनी और सिद्धार्थ काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और पूरी बात करते हैं जब मेरा जाएगी पूरी टीम की, तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और वेब सीरीज बन चुकी, तो इस वेब सीरीज़ के लिए उन्होंने खून और जान पसीने की मेहनत करी है, जो कि तभी जाके ये नाटक सक्सेसफुल हुआ है, वेब सीरीज सक्सेसफुल हुई है। वेब सीरीज़ की बात करें तो वेब सीरीज़ फ़िलहाल के अब की सबसे तकड़ी सीरीज़ में से गिनी गई है, जो कि जमाई राजा सीज़न
2 दिखाया गया है आप लोगों के बीच में, तो 11वां एपिसोड में ये ट्विस्ट होगा कि ऐसा आखिर डीडी ने किया क्यों था, जो कि अपने हस्बैंड के साथ में ऐसा क्यों किया था, और उनका पार्टनर जो कि सिद्धार्थ के फादर थे तो उन्होंने क्या गेम खेलेंगे, और पुलिस वाले से सिद्धार्थ क्यों मिले हुए थे, क्योंकि इस वेब सीरीज में पुलिस वाले के साथ में सिद्धार्थ मिले हुए थे ये बात किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी। तो दोस्तों आप लोगों के बीच में सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये कि फ़िलहाल का एपिसोड अब देखा अपने 10वां एपिसोड तक कि सिद्धार्थ की चालाकि किसी को भी नज़र नहीं आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही आपको 11वां एपिसोड आएगा तो उसमें सब जांच पड़ जाएगा, क्योंकि 11वां एपिसोड आपको कुछ ही देर बाद में 11वां एपिसोड आने वाला है और आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। और डीडी पटेल के बाद में जो पुलिस वाला रहता, तो पुलिस वाला डीडी पटेल के पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि उसके मंगेतर को डीडी पटेल के बेटे ने ही मारा था, डीडी पटेल के बेटे ने उसके मंगेतर को मारा था, इसी बात को लेकर डीडी पटेल का उससे बदला ले रहा था वो पुलिस वाला, जो कि उसने रवि दुबे को भेजा था, रवि दुबे यानी समझ रहे हैं आप, तो वही बात है सिद्धार्थ की कि सिद्धार्थ इसीलिए डीडी पटेल से बदला ले रहे हैं। डीडी पटेल से बदला लेने के पीछे उनकी और भी वजह, अपनी फैमिली का एक एक खून और आंसू का बदला ले रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इस टाइम की ये है कि 11वां एपिसोड आप को अब इंतजार ख़त्म हुआ, आप मेरे चैनल से 11वां एपिसोड भी देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी तक जमाई राजा के बारे में जो भी देखा वो एक बहुत ही बड़ी कहानी सुनाई गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जो कि किसिंग सीन भी रवि दुबे और निया शर्मा के किसिंग सीन काफ़ी फरमाए गए थे आप लोगों के बीच में, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आए थे, क्योंकि किसिंग सीन में एक दूसरे का लिपिंग सीन करते नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार सीन थे। तो अभी की बात बता दें आपको, तो लास्ट में होता क्या कि डीडी पटेल अपना प्लान पकड़ती हैं और मुंबई के लिए रवाना हो जाती हैं। मुंबई में जाने के बाद में वो अपने बेटे से मिलती हैं, बेटे से सडनली मुलाकात करती हैं, लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं होने देती कि उनका बेटा अभी इस दुनिया में है, क्योंकि सब ये लगता था कि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने सबको बेवकूफ़ी, इवन रोशनी को भी नहीं पता कि उनका भाई भी इस दुनिया में है। ठीक है, क्योंकि रोशनी से तो उन्होंने सब कुछ छुपा रखा था, उसकी तेरे डैडी मर गए, लेकिन डैडी मरे नहीं थे उस टाइम तक, जिंदा थे, लेकिन रोशनी पटेल से भी सभी कुछ छुपाए कर रखा। डीडी पटेल बहुत ही ज़्यादा चालाक और स्वभाव की लेडी हैं, जो कि किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं होने देती हैं, कुछ बात का तो डीडी के अलावा किसी को भी नहीं पता होता, चाहे घर का नौकर हो चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी वो कुछ बात नहीं बताती हैं। तो आप लोगों ने अभी तक वो देखा जो कि डीडी पटेल ने लोगों को दिखाया, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो डीडी पटेल को सिद्धार्थ दिखाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ अब अपनी ताकत दिखाएंगे, उन्हें दिखा देंगे कि सिद्धार्थ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के बीच में इंतज़ार ख़त्म हुआ, डीडी का जो कि गेम प्लान था वो सब कुछ चकनाचूर होकर और एक सामने आ चुका है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे देखिए होता क्या है, होने के बाद तो बहुत कुछ होएगा, क्योंकि सिद्धार्थ बताएंगे कि मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, और मैं किस चीज़ का आप लोगों से बदला ले रहा हूँ, तो वो सब कुछ बदला लेते नज़र भी आएंगे आप लोगों के बीच में। तो आपने अभी तक वो देखा कि रोशनी और सिद्धार्थ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और किसिंग सीन भी काफ़ी वायरल हुए थे, जो कि रोशनी पटेल और सिद्धार्थ खुराना के किसिंग सीन काफ़ी वायरल हुए हैं, लोगों को काफ़ी पसंद भी आए। आप लोगों को दूसरा सीरियल के बारे में मैं बता देता हूँ, जो कि एक वेब सीरीज थी, वेब सीरीज भी काफ़ी अच्छी कमाल की साबित हुई थी, जो कि आप लोगों ने काफ़ी इसको पसंद भी किया था। तो वेब सीरीज़ के में उन्होंने डीडी के लिए अपनी जान हथेली पर रख लेते हैं, क्योंकि डीडी पटेल के लिए हर एक गेम खेलते हैं, डीडी पटेल की हर जगह मदद करते हैं, डीडी पटेल का विश्वास जीत लेते हैं, क्योंकि डीडी पटेल को अगर किसी पास की डेट में ट्रस्ट है तो खाली सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ के अलावा वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिद्धार्थ पे उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर है तो वो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ के लिए तो हर बात तो वो मानने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को पता है ना कि सिद्धार्थ जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और उनकी बेटी भी सिद्धार्थ को सिद्धार्थ पे मरती हैं और उनको जान देने के लिए भी तैयार रहती हैं सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ भी अपनी वाइफ यानी आपको तो पता ही है कि इसमें निया शर्मा उनकी वाइफ का रोल निभा रही हैं, जो कि आपको पता है रोशनी के बारे में, तो रोशनी भी सिद्धार्थ से इतना ही प्यार करती हैं जितना ही सिद्धार्थ करते हैं, ये ऐसा लगता है कि ये शायद एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट गेम दिखाया गया है आप लोगों के बीच में, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है, और पसंद आने पर आप इस सीरियल को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने जमाई राजा सीजन 2 देखा,
और आप लोगों को काफ़ी किसिंग सीन भी काफ़ी अच्छे लगे थे, आप लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। तो एक वेब सीरीज़ बहुत ही कमाल की है, 11वां एपिसोड आप कुछ ही देर में मेरे चैनल से देख पाएंगे। और ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा से मेरी गले में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो में आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जैसे भी लगी हो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और कोई भी यार ऐसा गंदा वंदा कमेंट मत करना, कमेंट थोड़ा नॉर्मल करना, क्योंकि उसके बदले फिर मैं भी आपको अच्छा से कमेंट करूँ, वो उम्मीद रखना मेरे से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी यही है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और अपना फेवरेट शो देखने की कोशिश की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी इंक्वायरी है वो आप मेरे से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग मुझे शेयर कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं वो भी सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आपके लिए मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा, थैंक यू सो मच गाइज।